सुप्रभात। आज सभी भैयाओं को मालगाड़ी चलने की पटरियों पे आवाज सिखाएंगे। उससे पहले एक हमारा हस्त साधन का बोल था, वो भी हम बोले थे, आप सभी को बताएंगे। तो उसमें था कि ये ग था डुग्गी में, तो सबसे पहले ये बजाएंगे। और यहाँ पे ये ग जो है वो समय के अनुसार चेंज हो गया, यहाँ पे हम इसको घे बोलेंगे। घे घे दो बार बजाएंगे, घे घे घेराबंदी वाला घे घे घे। और फिर था टेटे, तो टेटे यानी तीरा जो था, और वही टेटे भी यहाँ पे हो जाएगा। थे, थे। इसको यहाँ पे हाथ को उठाएंगे, हथेली को अपना, और तब यहाँ पे उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ इस डुग्गी को बजाने के लिए हम यहाँ से दो उंगलियों को मोड़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ तबला पे भी ये दो हम उंगली हमारा उठेगा। सीधी सी एक सामान्य बात हम मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हमारा तबला जो है एक चेयर है, एक चेयर पे हमेशा एक ही व्यक्ति बैठता है। उसी प्रकार इस तबला पे भी एक समय में एक ही बार बजेगा, और हम दूसरे उंगली को जब बजाएंगे दूसरे उंगली से, तो हमारा पहले वाला दो उंगली उड़ जाएगा, या जब पहला हमारा उंगली उड़ जाएगा तभी दो उंगली हमारा बजेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी ये है, और फिर इस समय के अनुसार अगर हमें ज्यादा जरूरत पड़ा तो इस उंगली का भी यूज होगा। तो ये हम सिखा देते हैं, बहुत ही सिंपल है। घे 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 घे, यानी दो बार घे घे टेटे घे घे टेटे। इसके बाद एक बार बजाएंगे के टेटे, वो बहुत ही आसान है। हम बताए थे कि ग और ख समय के अनुसार यहाँ पे ये क जो है यहाँ पे के हो जा रहा है, फिर कभी समय के अनुसार हस्त साधन के बोल में भी बताएं ये की भी हो जा रहा। फिर से घे घे टे टे घे घे टे 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 हम कोई भी बोल बजाएंगे या बताएंगे तो उसको ताल के अनुसार हम बजाते हैं या बोलते हैं या सिखाते हैं, कोई भी व्यक्ति हो इसी प्रकार करता है, क्योंकि वो निश्चित एक समय में हमें वहां पे कंप्लीट करना है और फिर आ जाना है। तो ये भी हम लोग जितना भी सीखेंगे 16 मात्रा, यानी 16 मात्रे का ताल हमारा है तीन ताल, उसी के अंतर्गत ये सारा हमारा साधन का बोल हो, कायदा हो, टुकड़ा हो, परन हो, ये सब उसी के अनुसार बजाएंगे। इसलिए फिर से घे घे टे टे घे घे टे 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 घे घे टे टे। अब इसका हम दुगुन बजाएंगे, घे घे इसका भी हम विस्तार भी करते हैं, और जितना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं हम इसको, लेकिन एक साधारण से विद्यार्थी को सीखने के लिए इतना ही काफी है। ये हस्त साधन के बोल हम जो सिखाते हैं, इसमें क्या है, तबले पर हस्त साधन के बोल हो गया, साथ ही साथ हमारा 10 वर्णों का
जो तबला पे छह, डुगी पे दो और संयुक्त दो वर्ण होते हैं, वो हमारा 10 वर्ण का भी अभ्यास हो जाता है। उसके बाद ही हम कायदा वायदा जितना भी है सीखते हैं, कायदा टुकड़ा परन। इसलिए फिर से एक बार बजाते हैं और इसको समझेंगे और उंगली को थोड़ा और आगे कर लेंगे ताकि और अच्छा आवाज निकले और डुग्गी में भी उसी प्रकार हमारा वाइब्रेशन बहुत अच्छा हो। ठीक इसी घेगे तट्टे से जो मालगाड़ी पटरियों पे चलती है वो आवाज होता है, जैसे खाली कंटेनर हमारा जाता है। तो जैसे प्लेटफॉर्म पे हम खड़े रहते हैं तो किसी भी जनरल प्लेटफॉर्म पे कोई भी मालगाड़ी खड़ी खड़ी नहीं होती है और हम ही लोग खड़े रहते हैं और वहां बीच से मालगाड़ी गुजरती है तो उसका साउंड हम देखेंगे। धीरे धीरे हमारे नजरों से ओझल होते हुए मालगाड़ी जाएगी और साउंड भी धीरे धीरे कम हो जाता है, जिस प्रकार हम किए कम। तो आज हम लोगों ने सीखा तबले पे हर साधन के बोल, एक नया घेगे तिट्टे किके तिट्टे घेगे तिट्टे, और साथ ही साथ पटरियों पे मालगाड़ी चलने की आवाज को भी हम लोगों ने सीखा और इसका हम लोग पूर्ण रूप से अभ्यास करेंगे और ईमानदारी पूर्वक करेंगे। धन्यवाद।